किसानों की मांगों के समर्थन में प्रत्येक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ने अमरपुर बांका मुख्य पथ पर बस स्टैंड पुल के समीप बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जाम के कारण मुख्य पथ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर अमरपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह राजद के वरिष्ठ नेता बालमुकुंद मंडल ने कहा कि आज किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। किसानों के द्वारा उपजाई गई फसलों का उचित कीमत नहीं मिलती है। पैक्सों में किसानों का धान खरीद नहीं हो रही है। अधिकतर किसान कर्ज लेकर खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन पैक्सों में धान खरीदारी नहीं होने पर मजबूर होकर किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में धान बेचने को मजबूर होते हैं। इन्होंने कहा कि अगर जल्दी किसानों का धान पैक्सों में खरीदारी नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम सभी कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में उग्र रूप से आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जम की सूचना मिलते ही अमरपुर इंस्पेक्टर वकील प्रसाद यादव, BDO राकेश कुमार, CO स्वाति कृष्णा, थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय पुलिस बलों के साथ जम स्थल पर पहुंचकर जमकर्ता को समझाते हुए जम हटाने की अपील की, लेकिन जमकर्ता 3 बजे तक जम करने की जिद पर अड़े रहे। बाद में सभी को गिरफ्तार करते हुए थाना परिसर लाया गया, जहां से बॉन्ड भरकर सभी को छोड़ दिया गया। जम स्थल पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार चतुर्वेदी इरफान खान, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू शाह, घनश्याम भगत, शिव प्रसाद यादव समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत सरकार के द्वारा जो लाया गया काला कानून है, इसके विरोध में है और किसान संगठन के जो लोग आज किसान विरोधी नीति, किसान कृषि काला कानून के विरुद्ध में जो वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, हम सब लोग इनके साथ हैं, किसानों के साथ हैं। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव स्थित चंदन नदी के तट पर चल रही तैयारियों का जायजा मंगलवार के दिन बांका DDC रवि प्रकाश ने अधिकारियों के साथ पहुंचकर लिया। इस मौके पर अपर समाहर्ता जयशंकर प्रसाद, BDO राकेश कुमार, CO स्वाति कृष्ण, कृषि पदाधिकारी सतीश चंद्र, अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित अधिकारियों को DDC ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बता दें कि आगामी 11 दिसंबर को बिहार के मंत्री नीतीश कुमार का आने की संभावना भदरिया गांव स्थित चंदन नदी के तट पर है, जिसको लेकर तट पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। चंदन नदी के तट पर मिले पुराने भवनों के अवशेष का निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध तथा देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित भारत बंद के समर्थन में विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ साथ अनेक राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन मंगलवार को बांका जिले की सड़कों पर उतरे। इन दलों और संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय सहित जिले भर की सड़कों पर नए कृषि कानून और किसानों के आंदोलन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। मालूम हो कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में जारी देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार के भारत बंद को विपक्षी दलों समेत 400 से ज्यादा राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। बिहार के ज्यादातर विपक्षी राजनीतिक दल बंद के समर्थन में हैं, जिन्होंने मंगलवार को अपने झंडे, बैनर व पोस्टर के साथ यहां की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए किसान कानून को वापस लेने की मांग की। राजद के झंडा, बैनर व पोस्टर के साथ जिले के बेलहर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक रोमदेव यादव के नेतृत्व में आज बांका शहर के गांधी चौक पर बंद के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने गांधी चौक पर जाम भी किया। इससे पहले विधायक के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने शहर के सड़कों पर घूम कर बंद को सफल बनाने की कोशिश की। इसी कार्यक्रम में वरिष्ठ राजद नेता ओम प्रकाश गुप्ता समेत पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। इधर कांग्रेस की ओर से झंडे और पोस्टर के साथ जिला मुख्यालय की सड़क पर बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता आशुतोष सिंह, बबलू सिंह, मनीष कुमार घोष, रिंकू खान एवं दिवाकर यादव आदि ने घूम कर शहर में प्रदर्शन करते हुए बंद को सफल बनाने की कोशिश की। वहीं जिले के दूसरे क्षेत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक विपक्षी दल आज बंद के समर्थन और किसान कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कई जगह जाम लगाया गया। विपक्षी दलों और संगठनों की सक्रियता के दिन चढ़ने के साथ ही बांका के जिले में बंद का असर दिखने लगा। वहीं भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। बांका देवघर मार्ग में भी यातायात प्रभावित हुआ है। जिला मुख्यालय के बाजार एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान भी विपक्षी दलों की जोरदार मौजूदगी की वजह से दिन चढ़ने के साथ ही बंद होने लगे। कई सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित होने की खबर है। बांका सहित जिले भर में बंद प्रभावशाली दिखने लगा। हालांकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। वहीं जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड में रखा गया था।